अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मलिक जुनैद एम जे कैटल फार्म हरुणाबाद डिस्ट्रिक्ट भावन नगर तो आने मेरे दो नंबर तो एक फ्लैक्स लाइए ताकि कोई फार्मर बेली साडा आवे तो उन्हें हेल्प हो जाए कि तरीका जानवर पलाई की होना चाहिए कि मंडी तो लिया जानवर के खुर पहले धोने चाहिए ने फिर उन्होंने एवरमैक्टन मतलब जल्द टीके लवाओ 20 दिन बाद फिर लवाओ उनकी डिवर्मिंग करो 15 दिन बाद फिर 30 दिन बाद दोबारा फिर करो लंपी स्किन के मूँह खुर के टीके लगवाओ किसी अच्छी कंपनी या अच्छे फार्मूले का वंडा इस्तेमाल कराओ। हालांकि वंडे की मकदार जी हर 50 किलो जिंदा वजन से 1 किलो वंडा पाना चाहिए हफ्ते से एक बार 40 ग्राम मीठा सोडा देना चाहिए है। तो असी आपके फार्म की जी फीड बनाने वह भी सेल वास्ते साढ़े को मतलब असी देने सेल वास्ते तो अगर किसी भी भाई चाहिए फिर साढ़े ना रबता कर सकता है। आ मेरे नंबर ने एम जे 100 के नाम तो मेरी फीड है तो अपने फार्म की इधरों सफाई हो गई है तो आ जानवर छड़े हैं जी आप बाहर इन्हों छे का मकसद है कि जानवर इतने थोड़ा जा एक तो बारिश आई हुई मौसम खराब से अंदर फार्म गिले हुए सन तो लेकिन रोज़ सफाई होने की वजह तो मिट्टी का ही सी लेकिन बाहर कढ़ने का मकसद यह है कि डंगर के एक तो पैर सुक जाते हैं दूजा डंगर खेड़ लेंदा है। हालांकि पिछे असं थोड़ा जा मतलब ना टोया जो मार के पानी खिलवा दें कई डंगर पानी खेडने के शौकीन होंगे ने कई वाग वाले शुरू तो आए होंगे ने अज वेखना जानवर हूँ खेड़ खेड़ के इन्हों मूँह गंदा किया हो डंगर की थोड़ी बहुत वर्जिश हो जाती है तो डंगर चरा अच्छा कर लेंदा। आ अपने काटू माल है आ सारा सारा कुरबानी वाला माल है तो अबलक अपने दो नंबर फार्म च ने दरख्त भी फार्म तो जरूरी होंगे ने इनकी वजह आती कि डंगर एक दरख्त जरा एक एसी का काम कर रहा होंगे तो डंगर ठंड भी जरूरी होंगी है इन ना डंगर गर्मियों सुख रह जाता तो आ अपने फार्म है काटू माल को दो गड़ियां गई ने अज कोई 15-14 डंगर होर अपने फार्म से इंशाला आएंगे शामी तुम उनकी भी वीडियो देवे तो वह वेखो ना जिमें जानवर खेड़ रहे चल फिर रहे इन्हों का 2 घंटे इतने कटावे इन्हों का मेधा मुद्दा सैट हो जाएगा फिर चले तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं डंगर नाले खुश हो जाता भी चलो मैं बहरों फिर के आया जिमें आप टुर के आईए तो आ अपने सुभान भाई ने यह इन्हें तक इन्हों का चौकीदार पहरा कर रहे हैं क्योंकि अदरों अपनी दीवार कोई नहीं तो इधर यासमीन भाई लगे ने वेखो ये अहदी दो रहे ने डंगर बहर कट के अहदी दो रहे हैं फिर अस चूना चूना थोड़ा बहुत मार देते बाद चो सारे फार्म के इंशाला चूना भी मारांगे क्योंकि गर्मी का मौसम है अगर मूँह खोर आ रहा ना तो उन्हें तो बचाने वास्ते नाले इन्हें वैक्सीनेशन अज इंशाला शामी मुकम्मल करांगे तो नाले चूना चूना मारांगे। आ अपने यासीन भाई ने की हाल है यासीन भाई? अल्लाह शुक्र सर जी। की करते फिरते जी? सर जी अहदी धोते पे जी। आ डंगर तुहाडा आ गया नूं मोड़ फिर सर जी। हेलो आ जानवर की गुलाई बटाई है जो आप एम जे ना तो वंडा बना रहे हैं उनका रिजल्ट है किसी भी भाई नूं चाहिए होवे तो अपने तो वंडा दस्तयाब है। 2 घंटे पूरे हो गए भाई यासीन? हाँ जी 2 घंटे इन्हें मुकम्मल हो गए। हाँ जी 2 घंटे सर जी मुकम्मल हो गए ने बाइक तोड़ लिया जी खोरे इन्हों के साफ हो गए चिक्कड़ सी वाड़ा खुशक हो गया जी हम अंदर जा ठीक हो गया तो यह तुम तंग नहीं करते जो खुला छड़ते कोई नहीं करते ठीक हो गया ठीक हो गया बाहर छड़े का मकसद मकसद है कि बिल्कुल जी फ्रैश रहते हैं जी ठीक हो गया जी मोटे हो रहे हैं जी ठीक है यानी कि इन्होंने एवरेज पूरी 2 घंटे भुख आ गई जी हम चरा भी चंगा करे जी ठीक हो गया ठीक हो गया फिर जो मूँह शूल बेल लेंगे फिर की हाल होंगे मूँह शूल जी धो देने जी ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक आ सुभान भाई ने यह छुट्टी कर गए सुन तो 2 दिन बाद फिर आ गए कहते जी थोड़े बगैर साडा दिल नहीं लग्या असी यूट्यूब ते वड्डे व्लॉगर बनांगे सानू मशहूरी चाहिए मशहूरी वास्ते वापस आ गए कहना तनखाह पावां 2000 घट कर लो लेकिन मैनू रखो जरूर है 5 घट कर लिए वाह बई वाह ਇਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਹੁਤ ਓਕੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾ ਡੋੜੇ ਬਗੈਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਗੁੜ ਚ ਮੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਧ ਹੋਏ ਖੜੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਯਾਸੀਨ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖੋ ਸਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇ ਸਰ ਜੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਗਿੱਜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਈ ਸਬਾਨ ਲੱਗੋ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਬੱਚੇ ਆਓ ਜੀ।
ਆਦੀ ਆਪਣੀ ਆਰ ਦੀ ਚ ਚੁੱਥ ਲੜੇ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਚੂਨਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਚਾਲ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਬੈਗ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਆ ਬਲੈਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਨੁਕਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲ ਨੁਕਰੀ ਆ ਗਈ ਅਗਲੇ ਪਾਂਡੇ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸੀ ਆਮ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਚਲੋ